रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा जो आपने जो है वो नोट्स जो आपके दिए जाते हैं, जैसे इन योर नोटबुक्स, इसमें जो भी आपको टर्म्स दी गई हैं इनको भी आपने ध्यान से पढ़ना है, डू यू नो। और जितने भी ये आपको बॉक्सेस में आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी जाती हैं उन्हें भी आपने एक दो दफ़ा पढ़ना है, इनको ध्यान से। जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितना भी आपका वर्क है इन योर नोटबुक, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनिंग है, इनको फन के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं उनको आपने रीड आउट करना है। जितने भी यूनिट्स के आपके क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। सारा जितना भी काम आपको करवाया गया है, जितना भी सिलेबस आपको दिया गया है, जितना सिलेबस करवाया जा रहा है और जितना सिलेबस आप कर चुके हैं, और उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जितना भी वर्क है सारा के सारा आपने, क्वेश्चंस आंसर हैं, डायग्राम्स हैं, और ये एक्सरसाइजेज हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जितना भी वर्क है, ये लाइफ साइकिल है, जितना भी वर्क आपको करवाया गया है, 3 यूनिट्स आपको कंप्लीट करवाए गए हैं, वो सारे के सारे आपने प्रिपेयर करने हैं अच्छे तरीके से फॉर पेपर्स। पेपर्स के लिए जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, फर्स्ट टर्म के, सेकेंड टर्म के, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स अब होंगे अकॉर्डिंग टू जो आपका शेड्यूल तैयार होगा, उसके लिए आपने आप खुद को प्रिपेयर करना है अच्छी तरीके से। जो भी आपको वर्क करवाया गया है आपने 3 यूनिट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है।